मुफ्ती साहब, मुझे आपसे पूछना था कि 10 मुहर्रम वाले दिन गुसल करने की कोई फजीलत है? ज़ईफ़ किस्म की रिवायात में, बल्कि करीब मौज़ू आप कहें यानी झूठी किस्म की रिवायात में इस किस्म की फजाइल बयान किए गए हैं, तो हमारा मशवरा ये होगा कि इस किस्म की हदीसें कि जिनमें झूठ का दखल का यकीन करीब यकीन है, इतना गुमान गालिब है, उन पर अमल ना किया जाए, क्योंकि इस किस्म की चीज़ों को इख्तियार करने के बाद फिर इंसान और ज़्यादा उसको तरगीब मिलती है, वो दूसरी हदीसों को भी तलाश करता है जिसमें थोड़े थोड़े अमल पे बहुत बड़े बड़े सवाब का वादा किया गया हो, और इस किस्म की अक्सर हदीसें झूठी होती हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सारी झूठी होती हैं, अक्सर हदीसें झूठी होती हैं, और इस तरीके से इंसान फिर झूठी हदीसों को अहमियत देना शुरू कर देता है। वो कलाम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल ही नहीं, वो उस कलाम की ताज़ीम शुरू कर देता है ये समझकर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है, और ना सिर्फ खुद वो अमल करता है बल्कि उस कलाम को दूसरों तक पहुँचाता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करके उसको आगे की तरफ मुंतकिल करना ये गुनाह कबीरा है, और इस तरह वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब भी हो जाता है। इसलिए कुरान और हदीस में मुस्तनद रिवायात या मुस्तनद ज़राए से जो कुछ आपके पास आए उसके ऊपर अमल करें, वो भी इतना कसीर है, इतना कसीर है कि उसके बाद हकीकतन इस किस्म के झूठे मवाद की ज़रूरत ही नहीं रहती है। लेकिन अलमिया ये है कि चूंकि हमारे पास वक्त नहीं होता, हम मुस्तनद ज़राए की तरफ रुजू करने के लिए तैयार नहीं होते, कहीं दरस कुरान हो तो वहाँ जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं होंगे, और कहीं इस किस्म की झूठी रिवायात बयान हो रही हो तो मजमा कसीर आप देखेंगे और लोग उसी झूठी रिवायात पर अमल करेंगे। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि अल्लाह ताला और उसके रसूल का वाज़े कलाम इंसान इख्तियार ना करे या उसके लिए वक्त ना निकाले, और गैर वाज़े और मुभम कलाम के ऊपर अपना रात दिन सर्फ कर दे, इस पे ज़रा तवज्जो करने की ज़रूरत है। एक भाई ने फरमाया कि